हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। और इस चीज़ पराठे को बनाना भी बहुत ही आसान है। ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है चीज़ पराठा। और जिस तरीके से मैंने ये पराठा बनाना बताया है, उस तरीके से जब आप ये पराठा बनाकर खाओगे तो बाकी सारे पराठों का स्वाद भूल जाओगे। तो आप इस पराठे की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आप किस सिटी से इस रेसिपी को देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई सी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नई नई रेसिपी को एंजॉय करते रहें। तो चलिए देख लेते हैं मजेदार से इस पराठे को कैसे बनाया जाता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे गेहूं का आटा। अब इसे हम डाल लेते हैं एक बाउल में। तो मैं यहाँ पर मेजरिंग कप से 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। गेहूं का आटा हर घर में अवेलेबल होता है, इसलिए इस रेसिपी को आप जब मन चाहे तब बना सकते हैं। और आप यहाँ पर मोटा या बारीक कोई भी गेहूं का आटा ले सकते हैं जो आप अपने घर में खाने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच नमक, साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीबन तेल। आप चाहे तो यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं। अब तेल को हम पूरे आटे में अच्छी तरह से मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा एकदम ज्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिए और आटा लगाकर तैयार करिए। सुबह का ब्रेकफास्ट हो या शाम के आप समय आपको कुछ मजेदार सा खाने की इच्छा हो तो आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाने में समय भी बहुत कम लगता है, फटाफट से ये डिश बनकर तैयार हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आटा लगाकर रेडी कर लिया है। इस तरह का आपको यहाँ पर आटा लगाना है। अब इसे हम रख देते हैं सेट होने के लिए। तो 10 मिनट के लिए इसे हम रख देते हैं ताकि जो आटा है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, और जब तक हम हमारी बाकी की तैयारियां करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक पैन, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल। आप चाहें तो बटर या घी भी ले सकते हैं। तेल को अच्छे से हम गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। तो लो से मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। एकदम ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसे हमें सॉफ्ट रखना है। तो यहाँ पर जो प्याज है वो हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज स्किप कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिसे प्याज पसंद नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्याज वगैरह डालने से इस रेसिपी का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो प्याज जो है यहाँ पर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, साथ ही में इसमें हम ऐड कर देंगे 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। आप चाहें तो यहाँ पर गाजर भी डाल सकते हैं, बीटरूट डाल सकते हैं। बस आप यहाँ पर जो भी सब्जियां यूज करें उसे बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ही इस्तेमाल करें। कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी आपको यहाँ पर क्यों सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ही लेना है। अभी ने भी हम हल्का सा चलाते हुए पका लेंगे। पूरी तरह से नहीं पकाना है, हल्का सा कच्चा रखना है ताकि इसके अंदर का जो क्रंचीनेस है वो बना रहे। जब इसके अंदर का जो कच्चापन रहता है ना हल्का सा, जब हम इसे खाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। यदि आप पूरी तरह से पका लेंगे तो ये बिल्कुल गल जाते हैं, फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए पका लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर डालेंगे जो सब्जियों का हमने हल्का सा पका कर रखा है। ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम बढ़िया से फ्लेवर लाने के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम घर में ही रखे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे, तो कि आपको इजीली से मिल जाएंगे आपके घर में। तो 1/2 चम्मच इसमें हम डालेंगे ओरिगेनो। यदि आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो आप यहाँ पर मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं, और यदि आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो कुटी हुई लाल मिर्च की मात्रा भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। यदि आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रेश काली मिर्च को दरदरा कूट लीजिए और फिर उसका यूज करिए, उससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही में इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच नमक। तो नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीज। तो मैंने यहाँ पर प्रोसेस चीज ली है, आप चाहें तो मोजरेला चीज भी ले सकते हैं। और मैंने इस तरह से इसे ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करते समय आप इसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करें। और चीज को ग्रेट करते समय आप एक चीज का ध्यान रखें, इसे आप फ्रिज से तभी निकालिए जब आप इसे ग्रेट कर रहे हो। पहले से निकाल के बिल्कुल नहीं रखिए, नहीं तो जो चीज है वो पिघलने लगता है। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जो हमने सब्जी वगैरह ली है उसे हम चीज के साथ में मिक्स कर देंगे। और चीज की क्वांटिटी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप जितना ज्यादा चीज डालेंगे उतना ही ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट कच्ची सब्जियों के अंदर भी चीज डालकर इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन जब हम सब्जियों को हल्का सा पका लेते हैं ना तो उसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, जब आप सब्जियों को हल्का सा पकाए ना उसके बाद उसे थोड़ा सा ठंडा कर ले,
अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही आप वहाँ पर चीज डालिए, गरम गरम सब्जी में चीज बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो चीज जो है वो मेल्ट होने लगेगा। अब यहाँ पर आटे को रखे हुए भी 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। जब तक हमारे आटे ने रेस्ट किया था उतनी देर में हमने हमारा स्टफिंग बनाकर तैयार कर ली थी। तो आटे को एक बार हम इस तरह से मसल देंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोषण लेंगे और इसकी एक लोई बनाएंगे। अब इस लोई को हम बेलेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा हम इसके ऊपर डस कर लेते हैं इस तरह से। अब इसे हम इस तरह से बेल लेते हैं, जैसा हम रोटी बेलते हैं उस तरह से हमें इसे बेलना है। तो अभी मैं इसे थोड़े से छोटे साइज में बेल रही हूँ। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल। अब अच्छी तरह से पूरे ऑयल को हम रोटी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। ऑयल लगाने से क्या होगा, जब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे तो बहुत ही इजीली से जो स्टफिंग है पूरी रोटी पे अच्छी तरह से फैल जाएगी। अब बीच में हम इस तरह से चीज वाली स्टफिंग रख लेंगे। तो स्टफिंग थोड़ी सी ज्यादा भरी है तो ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। आप चाहें तो इसे सुबह के बच्चों के टिफिन में बनाकर रख सकते हैं, या जो भी ब्रेकफास्ट करने बैठा हो उसे आप गर्मा गर्म इसे बनाकर खिला सकते हैं। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों साइड से पहले फोल्ड करेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि इसके ऊपर चिपक जाए। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। अब दोनों साइड से इसके किनारों को उठाकर हम बंद कर देंगे। इस तरह से बहुत ही इजीली से बन जाता है ये पराठा। अब इसे हम बेलेंगे। तो हल्का सा हम इसके ऊपर सूखा आटा डस कर लेते हैं और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। एकदम ताकत लगाकर इसे नहीं बेलिएगा, नहीं तो जो पराठा है वो फट जाएगा। और मैं इसे चौकोर शेप में बना रही हूँ। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से पराठा बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको सब्जियों को बारीक काटने के लिए इसलिए बोला है, यदि आप सब्जियों को बड़ा बड़ा काटेंगे तो जब आप जैसे ही पराठा बेलेंगे तो बड़ी बड़ी सब्जियों के कारण जो पराठा है वो फट जाएगा, बेलते समय उसकी रोटी जो है वो फट जाएगी। इसलिए सब्जियों को बारीक बारीक काटिए, जिससे कि बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पराठा जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बेले। और पराठे को एकदम ज्यादा पतला नहीं करिएगा और एकदम ज्यादा मोटा भी नहीं रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने पराठा बेल लिया है, अब इसे हम सेकेंगे। अब पराठा सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तवा गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब पराठे को उठाकर हम गर्म तवे के ऊपर डालेंगे और इसे एक साइड से अच्छी तरह से सिकने देंगे, जब तक इसमें हल्की सी चित्तियां नहीं आ जाए। जब एक साइड से हल्का सा सिक जाएगा उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो जो पराठा है वो हल्का सा सिक गया है एक साइड से, इसे हम पलट देते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल की जगह बटर या घी का यूज भी कर सकते हैं। और वापस से हम पराठे को पलट देंगे और दूसरे साइड से भी इस पर हम ऑयल लगा देंगे। और इसी तरह से पलटते हुए हम दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम पराठे को सेकेंगे। अब पराठे को भी हम इस तरह से हल्का हल्का दबाकर सेक लेंगे। एकदम ज्यादा टाइट हाथों से बिल्कुल नहीं दबाइएगा पराठे को, नहीं तो चीज बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो चीज है वो गर्म होने के कारण अंदर से मेल्ट होने लगता है। तो बस इसी तरह से हम इसे पलटते हुए सेक लेंगे। तो मैंने पराठे को यहाँ पर अच्छी तरह से सेक लिया है। पराठा जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है, तो इसे उठाकर हम प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए, वाव, कितना टेस्टी और डिलीशियस दिखाई दे रहा है ना ये पराठा। जब ये चीज पराठा आप अपने घर वालों को खिलाएंगे ना, तो जो भी नाश्ता करने बैठा है वो खाते ही चला जाएगा और आपके सारे पराठे कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो सब्जियों का फ्लेवर है ना, वो तो बहुत ही बढ़िया लगता है इस रेसिपी में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी स्टफिंग है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरे पराठे के अंदर अच्छी तरह से फैली है। तो आप इस चीज पराठे की रेसिपी को ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।